जय हिंद साथियों, मैं आपके बीच एक बार पुनः उपस्थित हो गया हूं। एग्जाम फॉर टीचिंग स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का जोरदार तरीके से स्वागत है। यह सभी लोगों का जोरदार तरीके से स्वागत है। सभी लोग जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाएं। पीवी जे तनिवार जी उपस्थित हैं, राधे राधे सर जी भैया सबको हमारी तरफ से राधे राधे। जल्दी जल्दी सब लोग उपस्थित हो जाइए। चलिए भाई कमेंट बड़ा कर देना, आ जाइए भाई सभी लोग जल्दी जल्दी, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है, कमेंट बड़ा है, ठीक है। चलिए भैया कृतिका शर्मा सबको हमारी तरफ से भैया सुबह, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। सुमित त्रिपाठी जी गुड मॉर्निंग सर, सबको भैया हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुमर सुमन कुमार वेरी गुड मॉर्निंग सर सबको भैया। अंजलि शुक्ला, कृतिका शर्मा, अशोक वर्मा, सुमित त्रिपाठी सभी लोगों को भैया हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक विचारक और एवं राजनीतिक सिद्धांत यानी थर्ड के लिए जो क्लास आप लोग चाह रहे थे कि सर कंटिन्यू क्लास कर दी जाए, तो भैया ये क्लास अब बिल्कुल कंटिन्यू होगी, यानी कि 10 बजे वाली क्लास, थर्ड वाली क्लास आपकी बिल्कुल टाइम से होगी। अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भैया फेरिया मलिक सब लोग उपस्थित हैं भैया, गुड मॉर्निंग सबको हमारी तरफ से। बहोरन सिंह सब लोग भैया उपस्थित हैं। सतीश प्रीति गुड मॉर्निंग सर सबको। दीक्षांत सिंह राजपूत सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 26, इसके पहले 25 क्वेश्चन कराया गया है, तो 26 में क्वेश्चन लिया हूं, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन यहां आपसे क्या पूछा गया है भाई, आइए देखते हैं। ब्लैक बोर्ड बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे यहां क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, आइए देखते हैं। निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने, बात कार्ल मार्क्स की हो रही है, कार्ल मार्क्स महोदय ये भैया आपके हीगल से कौन सा विचार लिए हैं। हीगल ये भी आपके आदर्शवादी विचारक हैं, हीगल से कौन सा विचार लिए हैं कार्ल मार्क्स, जो कि आपके जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है, कहां के भैया, जर्मनी के। तो बढ़िया से सभी लोग उत्तर करिएगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या द्वंद्वात्मक पद्धति या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड मार्क्स टेक फ्रॉम हीगल, किस मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर क्वेश्चन के लिए। पीवीजे तनवार जी बहुत बढ़िया, सब लोग बहोरन सिंह सभी लोग भैया, कृतिका शर्मा, कृति शर्मा, कृतिका शर्मा सभी लोग उत्तर बहुत बढ़िया। पीयूष यादव गुड मॉर्निंग सबको भैया हमारी तरफ से। सुमन कुमार 26 काशी सभी लोग बहुत बढ़िया उत्तर किए हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बिल्कुल यही द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सी वाला विकल्प सही है कि कार्ल मार्क्स जो है भैया, ये सभी सिद्धांत जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है ये भी कार्ल मार्क्स का ही है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये भी उन्हीं का है, द्वंद्वात्मक पद्धति उन्हीं का है, कई उनके सिद्धांत हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स जो है हीगल से कौन सा विचार ग्रहण किए थे, तो ये द्वंद्वात्मक पद्धति जो है यही विचार इनसे ग्रहण किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सी इज द राइट आंसर, जिन्होंने सी वाला विकल्प सही किया है। वेलकम टिप्स भैया सी, बिल्कुल सब लोग बहुत बढ़िया उत्तर किए हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 भैया, 27 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपको इस समय जरूरत है प्रैक्टिस की भैया, परीक्षा अंतिम दौर में है, 7-8 अगस्त को पेपर भी है, संभवतः जहां तक जानकारी मिल पा रही है आज शाम या कल शाम तक हर हाल में पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद से जो जानकारी मिल पा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछा गया है। सख्त पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। देखिएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया है। सख्त पृथक्करण सिद्धांत ये किससे संबंधित है, मैकियावेली या मॉन्टेस्क्यू या सेंट थॉमस एक्विनास या जेरमी बेंथम, जिनको हम उपयोगितावाद का जनक भी कहते हैं, किसको, बेंथम साहब को। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसके लिए बढ़िया से आप उत्तर करिएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किससे संबंधित है। सख्त पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो बढ़िया से सभी लोग उत्तर करिए। वीडियो लाइक शेयर सब लोग कर दीजिएगा भाई जोरदार तरीके से। हर हर महादेव सर कौन है भैया, हर हर महादेव बिल्कुल सबको भैया। खोखर साहब चलिए भाई, हर हर महादेव बिल्कुल हर हर महादेव। तो कौन सा उत्तर यहां सही कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बिल्कुल सही उत्तर सभी लोग भैया, तनवार साहब, पीयूष यादव सभी लोग, बी वाला विकल्प, अनिल कुमार, सरोज जी भी उपस्थित हैं, गुड मॉर्निंग सबको, अंजलि शुक्ला। इसी को रिवाइज करें, 10 बार देखें वीडियो, 10 याद कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अरविंद सिंह जी भैया सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए सतीश प्रीति बी बहुत बढ़िया, फेरिया मलिक सभी लोग बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हैं। हर हर महादेव भैया कि आपका ये बी वाला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बी इज द राइट आंसर। सख्त पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, इनकी एक रचना है, कौन सी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज ये इनकी रचना है। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने सख्त पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। रही बात मैकियावेली की, तो भैया इनकी एक बहुत ही चर्चित रचना है द प्रिंस। ठीक है, प्रिंस और मैकियावेली का ही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या कि राजा को किसकी तरह भैया साहसी होना चाहिए, शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक, ये मैकियावेली जी कहते हैं। इटली का मैकियावेली, ये भैया इटली का मैकियावेली जी हैं, इटली के रहने वाले हैं। अगर भारत का मैकियावेली किसी कहा जाता है तो आपके कौटिल्य महोदय जी कहा जाता है, और बेंथम साहब इनको भैया उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई, आइए देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे एक क्रांतिकारी, क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थॉमस हॉब्स जो कि आपके इंग्लैंड से रहने वाले हैं, हॉब्स की बहुत ही चर्चित रचना लेवियाथन है। कार्ल मार्क्स विकल्प में है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी विकल्प में है, और रूसो जो कि आपके फ्रांस से बिलोंग करते हैं, उसे ठीक से पता नहीं मैं कौन हूं। अरे भैया कौन है, वैदेही जी क्या लिख रहे हैं, किसको पता नहीं भैया। अरे यार यहाँ आप पढ़ने आए हो, अपना काम करो, काहे इधर उधर की चीज में भाग रहे हैं, पेपर नजदीक है। अरविंद सिंह जी कह रहे हैं कि भैया ये कार्ल मार्क्स वाला ही विकल्प आपका सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया भाई। सुमन कुमार बी, वैदेही जी कार्ल मार्क्स, बहुत बढ़िया। दीपाली श्रीवास्तव 28 का भी बिल्कुल सटीक उत्तर सब लोग, अनिल कुमार सरोज बहुत बढ़िया उत्तर सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। फेरिया मलिक जी भी बी, चलिए भाई सभी लोग। खोखर साहब बिल्कुल, चलिए भैया ये हरियाणा वाले हैं। ठीक है, आपने भी बी वाला विकल्प सही किया, बहुत बढ़िया। ये अगर किसी का क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है तो केवल टू केवल आपके कार्ल मार्क्स महोदय को, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कार्ल मार्क्स उत्तर सही है। ये आपके जर्मनी के रहने वाले हैं, दास कैपिटल इनकी बहुत चर्चित रचना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी ही एक रचना है, इनकी कई रचनाएं हैं, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की ही रचना है, कई रचनाएं हैं जो बहुत ही चर्चित हैं, आए दिन एग्जाम पूछी जाती हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति इन्होंने हीगल से ग्रहण किया है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ठीक है, जो हॉब्स हैं भैया, लेवियाथन एक बहुत ही चर्चित कृति है, आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है। और रही बात रूसो की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी बहुत ही फेमस रचना, सामाजिक संविदा,
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा, और इसके अलावा एक रचना है इनकी एमिल, इसके अलावा कन्फेशंस, ये भी इनकी रचना है द कन्फेशंस, ठीक है। इस प्रकार से इनकी रूसो की, रूसो ही कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जंजीरों में बंधा हुआ है, ये स्टेटमेंट आपके रूसो महोदय का है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, यहां 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 हो चुका है, 29, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन यहां क्या पूछा गया भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं भैया? बात संयुक्त राष्ट्र संघ की हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? आपके अमेरिका में है, ठीक है। मुख्यालय इसका कहां पर है? मुख्यालय भैया है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क आपका कहां पड़ता है? ये आपके अमेरिका में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने मुख्य अंग है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल छह भैया, जो लोग यहां 29 नंबर क्वेश्चन के लिए सी वाला विकल्प, बिल्कुल छह, कंचन यादव जी छह, वैदेही जी पांच कह रहे हैं। भैया पांच नहीं बल्कि कितना होगा? छह होगा, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? छह अंग हैं। कौन कौन से भैया? एक तो है आपका महासभा, क्या है? महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, क्या है भैया? सुरक्षा परिषद है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, ठीक है। और रही बात चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसके अलावा प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद भी है, और इसके अलावा क्या है भैया? छठवां है सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय आप सचिवालय, सचिवालय है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल छह अंग हैं, ठीक है। महासभा, जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। हमारे यहां जो व्यवस्थापिका है उसके समतुल्य इसको हम जगह देते हैं, और इसको सुरक्षा परिषद को हम कार्यपालिका के समतुल्य मानते हैं। और एक चीज और जानिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका कहां पर है, यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आप बताइएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका कहां पर? हेग में। हेग कहां पड़ता है? ये आपका नीदरलैंड में पड़ता है, यह भी बात जानिएगा। और उससे पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो भैया कुल मिला के 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कितने वर्ष के लिए भैया? 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आप बताइएगा कुल 15 न्यायाधीश। भैया ध्यान देने की बात है कि दलबीर भंडारी, जो कि आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उनको भी भैया यहां पर मौका मिला है। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। दो बार
थी, लड़की बता रहे हैं। चलिए भाई, अब आपकी आवाज गायब हो गई। कुमारी रुचि जी ने लिखा है आवाज गायब हो गई। बिल्कुल भाई, बैटरी की थोड़ा सी समस्या आ गई थी। तो चलिए, अब आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। अगर अब कोई दिक्कत हो तो भैया आप बताइएगा, फिर हम एडिटर महोदय को बोलते हैं। अब आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। अंजलि शुक्ला जी करें कि जवाहरलाल नेहरू, अंजलि शुक्ला। चलिए भैया, वॉइस प्रॉब्लम है सर। चाचा जी, बिल्कुल, ममता राठौर जी ने लिखा है कि नेहरू चाचा, छोटे बच्चे इनको चाचा जी ही कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भैया विदेश गुट निरपेक्ष आंदोलन के आपके जनक कह लीजिए, यही है। जवाहरलाल नेहरू की जो बहुत ही चर्चित कृति है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दो बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं, यानी कि विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज, ये दो रचनाएं बहुत फेमस, आए दिन एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, एनटीपीसी आ गई सर, क्या बात है भाई, डी के सक्सेना जी क्या लिख रहे हैं। चलिए, तो और रही बात अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपके भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, लाल बहादुर शास्त्री के ही द्वारा स्टेटमेंट नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। ये स्टेटमेंट आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान ऐड कर दीजिए, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी को बता सकते हैं कि इन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी और जय जवान जय किसान, ये आपके लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। ठीक है, चलिए आते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन पे। 31 नंबर का क्वेश्चन भाई, क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहां की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को की जा रही है, 24 अक्टूबर 1945 कहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। अभी इसके पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 उसके अंग हैं, उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। तो स्थापना कहां की जा रही है, हेग या सैन फ्रांसिस्को या फिर आपके नीदरलैंड या जिनेवा। जिनेवा आपका कहां पड़ता है भैया, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यह भी बात जानिएगा। तो क्वेश्चन 31 के लिए अरविंद सिंह सैन फ्रांसिस्को, बहुत बढ़िया भैया। 31 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया आपने कमेंट किया है। कृतिका शर्मा, बहुत बढ़िया। फेरिया मलिक, जो लोग भैया बी वाले विकल्प के साथ उत्तर कर रहे हैं, ममता राठौर सैन फ्रांसिस्को, बहुत ही बढ़िया लाजवाब उत्तर सब लोग कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को ये आपके कहां पर पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है भैया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका बी वाला विकल्प सही है। रही बात हेग, यहां पर आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है नीदरलैंड में, जो कि हेग आपका नीदरलैंड पड़ता है, सैन फ्रांसिस्को आपके अमेरिका में पड़ता है, यही नीदरलैंड, यहीं पर ये हेग जो है यहीं पर स्थापित है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन। एक चीज तो आप लोग भाई नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है आपको, क्या नोट करना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो, उसके बारे में आप पूरा जानकारी रखिएगा और उससे संबंधित और जो क्वेश्चन बनते हैं ये मान के चलिए, पेपर देने के बाद आइएगा फिर बताइएगा कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ वाले चैप्टर से क्वेश्चन टच किया ही नहीं गया, ये जान लीजिए कि बहुत ही नामुमकिन बात है। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन वहां से जरूर टच किया जाएगा। और आपके कुल भैया संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करें हम तो कुल कितने देश हैं वर्तमान में, 193 देश यानी 193, और दक्षिणी सूडान आपका 193वां देश है, ये भी बात जानिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही भाई, ममता राठौर जी ने जिनेवा में विश्व व्यापार, बिल्कुल सही। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने लोग वीडियो लाइक कर रहे हैं सभी लोग शेयर बढ़िया से भाई वाचिंग कर रहे हैं, लाइक शेयर मार दीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये क्लास अब आपकी कंटिन्यू पर डे होगी, इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहां देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि 1688 यानी 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था।
गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति हम क्यों बोलते हैं किस, क्योंकि उस क्रांति में वीर रक्त नहीं बहा था, इसलिए उसको हम गौरवपूर्ण क्रांति बोलते हैं। खून खराबा नहीं हुआ था, ऐसी क्रांति हुई थी। कहां पर हुई थी? फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी या इंग्लैंड? तो कहां पर यह भैया क्रांति हो रही है, बढ़िया से उत्तर करिएगा। 32 कामकाज व्यापार वाला सब जेनेवा, बिल्कुल कुमारी रुचि जी ने बिल्कुल सही कमेंट किया है भाई, इंग्लैंड बिल्कुल। कुछ लोग अंजलि जी, शुक्ला जी इंग्लैंड इंग्लिश में लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तनवार जी डी वाला विकल्प बिल्कुल सही, सभी लोग अपने अपने स्तर से। फेरिया मलिक जी, अभिराम जी इंग्लैंड बिल्कुल, रक्तहीन क्रांति शिवा गौर, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने उत्तर किया है। भैया जितनी बातें आप लोगों को जानकारी में थी कि कोई कोल्ड वार कर, क्या क्या आप लोगों ने लिख दिया, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका डी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड भैया 1688 में, यहां पर क्रांति ध्यान दीजिएगा, जो तीन चार क्रांतियां हैं कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रही बात फ्रांस की क्रांति, ये आपका 1789 ईस्वी में हो रहा है, ठीक है। रही बात अमेरिका की क्रांति, ये आपका 1776 ईस्वी में हो रहा है। तीनों में बिल्कुल क्लियर कट रहिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आए दिन पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 33 नंबर का क्वेश्चन भाई देखते हैं क्या पूछा गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है शिमला समझौता, ध्यान देने की बात है। बात शिमला समझौता किस सन में हुआ था भैया? आपका 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हो रहा है। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का मामला था, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर सब लोग सही कर रहे हैं भाई। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे? अब आप लोग बात समझ गए होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का मामला है तो कौन कौन साइन कर सकता है। 1972 का मामला है, यह भी जानिएगा। जवाहरलाल नेहरू या अयूब खान या इंदिरा गांधी और जेट ए भुट्टो, लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान और मोरारजी देसाई, जेट ए भुट्टो, ये आपके पास इंडिया इज इंदिरा, बिल्कुल सही। अरविंद सिंह जी लिख रहे हैं कि इंडिया इज इंदिरा, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। कोड भाषा में आप लोग उत्तर करें, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। तनवार जी 1972 बिल्कुल, इंदिरा भुट्टो, देखिए कितना बढ़िया। कुमारी रुचि जी ने लिखा कि इंदिरा भुट्टो, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सब लोग उत्तर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ये आप लोग बी वाला विकल्प, चलिए बहुत बढ़िया उत्तर किए, बहुत अच्छा लगा। ये आपका भैया शिमला समझौता, इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी और जेट ए भुट्टो ये भैया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई, आइए देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? कौन सी सरकार है भैया जिसको हम उत्तरदायी सरकार के नाम से जानते हैं? कुलीन तंत्र या संसदीय तंत्र या राजशाही तंत्र या फिर तानाशाही, विच गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया से उत्तर करिएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी व्याख्या बेस्ट गुरुजी, शिवा गौर जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इसके लिए। अरविंद सिंह जी उत्तर की शुरुआत कर दिए हैं, दीक्षा सिंह जी, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया, अभिराम जी बहुत अच्छा उत्तर, भैया जाट साहब भी बी वाला विकल्प, बहुत बढ़िया। संसदीय व्यवस्था, ये आपका उत्तर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपका संसदीय व्यवस्था। ध्यान देने की बात है भैया, दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, एक अध्यक्षात्मक सरकार एक संसदात्मक सरकार। तो भैया भारत और आपके इंग्लैंड में संसदात्मक व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की हम बात करेंगे तो अमेरिका में पाया जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका संसदीय व्यवस्था को ही उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। आते हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछा गया भाई, 35 नंबर का क्वेश्चन यहां पूछा गया है, राज्य संघों का एक संघ है। देखिएगा क्वेश्चन कितना छोटा से दिख रहा है पर क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक भी है। किसने ये स्टेटमेंट दिया, अरस्तु महोदय या हाफ्स या लाख या आपके
लास्की महोदय, लास्की की एक बहुत ही चर्चित रचना एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कौन सी रचना भैया? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत चर्चित रचना है, ध्यान दीजिएगा। और रही बात लॉक की, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की है। हॉब्स की लिवियाथन बहुत चर्चित कृति, डी सीवे डी कारपोरे उनकी और रचनाएं हैं। रही बात अरस्तु की, तो भैया पॉलिटिक्स जो कि बहुत ही चर्चित, और एथेंस का संविधान, ये भी आपके अरस्तु जी की है रचना। आते हैं भाई, अब देखते हैं कि विकल्प कौन सा सब लोग सही करें। बिल्कुल सही भाई माया मौर्य, गुड मॉर्निंग सर, सबको भैया हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। अंजलि शुक्ला, अरस्तु, बिल्कुल सही, बिल्कुल भाई। जो लोग वैदेही जी, अरस्तु, पीयूष यादव, ये सभी लोग अरिस्टाटल, किसी ने तनवार साहब लिख रहे हैं अरिस्टाटल, बिल्कुल सही भैया। ये स्टेटमेंट अगर किसी कहे, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि थर्ड क्वेश्चन के लेवल कैसा पूछा जाता है, जो आप लोग पढ़े हैं आप लोगों के लेवल के ही अकॉर्डिंग टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पीजीटी के भी डाले गए हैं भाई, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला क्वेश्चन, ये आपके पीजीटी के हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। टीजीटी को जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, पूरी की पूरी उम्मीद है कि वो लोग प्रवक्ता का भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो जहां कुमारी रुचि जी ने क्या लिखा कि यह नहीं पता था, चलिए क्या नहीं पता था भैया, कोई बात नहीं, ये अगर क्वेश्चन का उत्तर न पता रहा तो कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई? लिखा गया है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। अगर प्लेटो आज जीवित होते तब इस प्रकार की बात होती, पर दुर्भाग्य है कि आज वो जिंदा ही नहीं है। यह कथन किसका है? अरस्तु, बारकर या मैक्सी या फिर रूसो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो बढ़िया से सभी लोग उत्तर करिएगा भाई। आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मैक्सी सही, बिल्कुल, शिवा गौर जी, वैदेही, बिल्कुल सही भैया। प्रीति इकोनॉमिक, क्या भैया लिख रहे हैं आप लोग, मैक्सी सही है, बिल्कुल सही। मोहित कुमार जी भी मैक्सी लिख रहे हैं। जो लोग भैया मैक्सी के साथ कुमारी रुचि जी भी हैं, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये सी इज द राइट आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर आपका सी वाला ही विकल्प सही है, ठीक है? चलिए भाई आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। किसने दबाव समूह, भैया दबाव समूह एक है, ये प्रवक्ता का क्वेश्चन है, प्रवक्ता में पूछा गया है। दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य, एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है, किसने कहा है? विनर महोदय या फाइनर या ट्रूमैन या जूनियर महोदय? तो भैया हु हैज डिस्क्राइब्ड प्रेशर ग्रुप एज एन अननोन एम्पायर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया से सभी लोग उत्तर, जोरदार उत्तर करिएगा। अज्ञात साम्राज्य दबाव समूह को किसने कहा है कि इस प्रकार का ऐसा लगता है? 37 फाइनर, बिल्कुल। यूपी बीएड की क्लास कब चलेगी? बिल्कुल अपने समय पे, निर्धारित समय पे 1 बजे की क्लास में आप लोग उपस्थित रहिएगा, 1 से 3, ठीक है? चलिए भाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा उत्तर सब लोग सही कर रहे हैं? फाइनर बी, जमील जामी वेल जी बी वाला विकल्प, सभी लोग बहुत बढ़िया उत्तर किए हैं। कुछ लोग इंग्लिश में भाई फाइनर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही, फाइनर महोदय का ही इस प्रकार की बात है कि भैया ये दबाव समूह को एक अज्ञात जो है साम्राज्य की संज्ञा देते हैं, ठीक है? अज्ञात साम्राज्य जैसा इनको प्रतीत हो रहा है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया भाई? 38 नंबर का आपसे क्वेश्चन यहां पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखते हैं। निम्न में से किसे चतुर्थ स्तंभ, यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है भैया, चतुर्थ स्तंभ किसको कहते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा स्तंभ हम किसको बोलते हैं?
नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी या फिर जुडिशरी या प्रेस या पॉलिटिकल पार्टी, ये आपके पास विकल्प दिया गया है। जोरदार उत्तर सभी लोग करिएगा भाई। तो देखते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल मीडिया मीडिया बिल्कुल प्रेस मीडिया के साथ सब लोग हैं। कुमारी रुचि जी प्रेस के साथ, शिवा गौर प्रेस के साथ, अभिराम जी प्रेस के साथ, तनवार साहब बिल्कुल सी। तनवार जी का उत्तर तो भाई बिल्कुल अलग है, ये कह रहे हैं कि सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने उत्तर किया है। चतुर्थ स्तंभ अगर किसी को कहा जाता है तो आपके प्रेस यानी कि मीडिया। भाई मीडिया से हर आदमी डरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वही कहां, नीदरलैंड, हेग वहीं पर स्थापित है। ठीक है, हेग में स्थापित है और हेग आपका नीदरलैंड में। और एक चीज ध्यान देना भैया कि कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना चाहे आपके दिमाग भैया, परीक्षा लेना चाहे एग्जामिनर, अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है पूछ दिया और मान लीजिए विकल्प में हेग नहीं दिया है, विकल्प में हेग न देकर वो दे देता है नीदरलैंड, तब आप दिमाग सेट करिएगा कि भैया हेग तो आपके नीदरलैंड पड़ता है, तो आप उस हिसाब से नीदरलैंड को सही करिएगा। भैया यहां पर जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं कितने वर्षों के लिए, भैया 9 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं, यह भी बात जानिएगा आज की डेट में प्रेजेंट टाइम की जो हालात है। दलवीर भंडारी जी आपके भारतीय ऐसे हैं भैया जो दो बार, हाँ 15 चीफ जस्टिस, बिल्कुल 15 उसमें होते हैं, कुल 15 न्यायाधीश। और भैया न्यायाधीशों का कोरम पूरा होने के लिए कितने होने चाहिए, न्यायाधीशों का कोरम अगर पूरा करना है तो 9 न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए। कहां पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए, बिल्कुल सही। खुशबू मौर्या जी, गुड मॉर्निंग सर जी, खुशबू जी आप कहां थी, चलिए भाई कोई बात नहीं। विमल यादव सर पॉल्टी नहीं है क्या, भैया बिल्कुल ये पॉल्टी ही है, थर्ड का क्वेश्चन है। टीजीटी जो लोग टीजीटी पीजीटी की एग्जाम देने जा रहे हैं स्पेशली उनके लिए है। संविधान के भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे बीच बीच में, संविधान के भी क्वेश्चन इसमें डालेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 39 के लिए कौन सा उत्तर भैया, डी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहां क्या पूछा गया। भाई 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है, सार्क कहिए या दक्षेस कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्या चीज, सार्क कहिए या दक्षेस कहिए, कहां पर इसका मुख्यालय है, काठमांडू में भैया। ठीक है, कहां पर, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है सदस्य देशों की संख्या, प्रेजेंट टाइम में कुल कितने सदस्य देश हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही ज्योत्सना सिंह 8, बिल्कुल सर ये खोखर मुझे गुस्सा क्यों, अरे भैया काहे यार सर, बीएड वाले पढ़ सकते हैं भैया, बीएड वाले बिल्कुल यार, बीएड वाले जो इंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए ये भैया क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बता देते हैं, थाट उसमें नहीं आता। ठीक है, चलिए तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका डी इज द राइट आंसर। अफगानिस्तान 8वां देश है जो कि दक्षेस में शामिल है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और आपका श्रीलंका है, मालदीव है, इस तरह से कुल आपके 8 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, आपका भैया नेपाल भी इसमें शामिल है। ठीक है, मालदीव, भूटान भी शामिल है, ध्यान दीजिएगा भूटान भी, बांग्लादेश भी है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया। भाई जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ये क्लास 10 बजे वाली क्लास डेली चलेगी, अब आप लोग बिल्कुल क्लियर कट रहिएगा। ठीक है, जो लोग यहां क्लास लेना चाहते हैं बिल्कुल क्लास ले सकते हैं,
जो आपके पास पड़ोस में लोग रह रहे हो उनको भी आप बता सकते हैं भैया एग्जामपुर टीचिंग स्कूल टीजीटी थर्ड के लिए स्पेशली क्लास यहाँ चल रही है प्रैक्टिस सेशन। निम्न में से किसने भारत में कलेक्टर, भैया कलेक्टर का मतलब कौन सा पद, डीएम का पद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, कलेक्टर के पद का सृजन किया था किसने, डलहौजी महोदय या लॉर्ड कर्जन साहब या वारेन हेस्टिंग्स महोदय या रिपन महोदय, हु एमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ कलेक्टर इन इंडिया, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर कौन से लोग सही कर रहे हैं। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग, सर जी क्या बात है, वारेन हेस्टिंग्स मोहित कुमार जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सब लोग उत्तर कर रहे हैं भाई कि सी इज द राइट आंसर। कुशल किशोर भैया बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सतीश प्रीति, वारेन हेस्टिंग्स इनके ही समय में आपका भैया कलेक्टर का पद सृजित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग्स हैं कौन ये भैया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहां इनके नाम पर क्या क्या बनता है। ये बंगाल के आपके अंतिम गवर्नर हैं पहली बात, और आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपको वारेन हेस्टिंग्स ही बताना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया है, ठीक है। कौन सा एक्ट के तहत इनको बनाया गया ये भी बात जानिएगा। रही बात लॉर्ड कर्जन की, ये भैया बंगाल विभाजन की वजह से जाने जाते हैं। और एक चीज जानिएगा, जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे भारत में उनमें सबसे ज्यादा अलोकप्रिय, यानी जनता के बीच में सबसे ज्यादा अलोकप्रिय अगर कोई गवर्नर जनरल या वायसराय था तो आपके लॉर्ड कर्जन महोदय थे। रही बात लॉर्ड डलहौजी की, तो ये भैया हड़प नीति की वजह से जानते हैं। सजय सब पर नागपुर की झांकी न निकली सतारा, जैतपुर संभल, इस तरह से कई लोगों को इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। रही बात अवध को, इन्होंने कुशासन के आधार पर 1856 में मिला लिया था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या क्या ध्यान देना है भाई, सर रिचा, अरे भाई अपना आंसर देखो यार, काहे इस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग। चलिए आते हैं, रही बात जो रिपन विकल्प दिया है भैया, लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया था, ठीक है, और रिपन के द्वारा उसको रिफ्रेश कर दिया गया, मतलब साफ कर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। लिटन ने लागू किया, रिपन ने उसको उसका काम तमाम कर दिया था। रही बात रिपन के ही समय 1881 ईस्वी में, किस सन में, 1881 ईस्वी में क्या हुआ, भारत में जो आजकल जनगणना अब हर 10 वर्ष के बाद जनगणना क्रमबद्ध ढंग से होती है, वो पहली बार जो है रिपन के ही समय शुरुआत की गई है व्यवस्थित तरीके से 10 साल जनगणना। और 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन काल में शुरुआत की गई थी। शुरुआत अगर पूछे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी। चलिए भाई आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, रिपन के ही समय इल्बर्ट बिल विवाद भी आपके रिपन के ही काल में हुआ था, यह भी बात जानिएगा, ठीक है। किस सन में हुआ था वो, आपका 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद। इनका टाइम पीरियड कब से है, 1880 से भैया 84 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है आपके रिपन महोदय का। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 42 नंबर का भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था, पहला महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन था, ये आपसे क्वेश्चन है। आपके पास विकल्प बिल्कुल दिख रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ज्यादातर लोग बढ़िया उत्तर करेंगे। बिल्कुल मेयो की हत्या अंडमान, बिल्कुल सही, ममता राठौर जी ने लिखा है बिल्कुल। शिवम गौर 1881 नियमित जनगणना, बिल्कुल सही उत्तर सब लोग कर रहे हैं भाई। श्वेत विद्रोह भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग मैं समझ रहा हूं बिल्कुल परीक्षा सर पे है, तैयारी बिल्कुल उफान पे है आपके भैया, आपकी तैयारी आपके सर के ऊपर से बोल रही है, मैं आपकी भाषा को समझ गया। ट्रिगवेली महोदय, सर जी हम जायत हैं, बाई बाई टाटा, अच्छा चलिए भाई कोई बात नहीं।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सी इज द राइट आंसर भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव अगर कोई थे तो ट्रिग्वेली महोदय। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, बहुत भयानक क्वेश्चन। यदि कोई हथियार नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब अगर आपके पास हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। बिल्कुल सही भाई, अगर आपके पास असलहा है तो स्वाभाविक सी बात है शरीर में गर्मी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई हथियार अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये बात, ये धारणा किस पर आधारित है, सुरक्षा पर है भाई। रिवॉल्वर लिए हैं क्या सुरक्षा पे, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, या राष्ट्रवाद, या शक्ति का संतुलन, या निःशस्त्रीकरण, क्या बोला जाएगा उसको। 43 बिल्कुल सही, नंदू वर्मा डी, सभी लोग भैया एनटीपीसी, डी के सक्सेना एनटीपीसी, बिल्कुल सही उत्तर सब लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उत्तर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका निःशस्त्रीकरण उसको हम बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। ठीक है भाई, स्वाभाविक सी बात है हथियार नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, उसी तो हम निःशस्त्रीकरण बोलते हैं, और कोई दूसरी किसी चिड़िया का नाम थोड़ा है निःशस्त्रीकरण। आते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो क्योंकि यदि वह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। यहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दीजिए, उसको कोई भी छेड़खानी न करे। अगर आपने छेड़खानी किया तो मधुमक्खियों की तरह बिल्कुल भनभनाकर शुरू कर देगा अपना कार्यक्रम। तो कौन, किसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है, फ्रांस या जर्मनी या जापान या चीन के विषय में। ये स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया है तो नेपोलियन बोनापार्टा का ये स्टेटमेंट है, ये भी बात जानिएगा। 44 नंबर के लिए बिल्कुल चीन, बिल्कुल चाइना, बिल्कुल सही, राजेश प्रसाद डी के साथ हैं। चाइना के संदर्भ में ये बात कही है, किसने कही है, नेपोलियन बोनापार्टा ने कहा है कि यहां एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, वरना अगर वह जाग गया तो पूरी दुनिया को हिला देगा। ये स्टेटमेंट आपका चीन के संदर्भ में कहा गया है। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भाई, आते हैं देखते हैं यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय संबंध को क्या कहा जाता है, बहुत से बार हम लोग शब्द को सुनते हैं खूब कि भैया नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं इनकी अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छी पकड़ बन गई है। अंतरराष्ट्रीय संबंध किसको कहते हैं, क्या विदेशी नीति या आर्थिक नीति को, या आपके सामाजिक नीति या देशी नीति, यानी डोमेस्टिक पॉलिसी या सोशल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस कॉल्ड, अंतरराष्ट्रीय संबंध को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए भाई, तो बढ़िया से सभी लोग उत्तर करिए, देखता हूं कि किसको उत्तर कर रहे हैं सब लोग। वैदेही जी बिल्कुल अपने नाम से कोरिलेट कर दिए हैं, वैदेही जी, वैदेही वैसे विदेश नीति, बिल्कुल सही, वैदेही जी अपने नाम से ही इसको क्वेश्चन को कोरिलेट कर दिए, बहुत बढ़िया। भैया लोग जब से मोदी जी आए, लोग कहते हैं कि विदेश नीति बड़ी तगड़ी है, बड़ी अच्छी खासी पकड़ है, अमेरिका के लोगों को तो ये अपने मुट्ठी में कर लिए हैं, इस तरह के स्टेटमेंट लोग कहते हैं। भैया बहुत ही अच्छे संबंध हैं, ध्यान दिए होंगे जब कोरोना काल शुरुआत हो रहा था तो अमेरिका के ही लोग आए थे यहां पर, समझ सकते हैं बात को। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी भैया को, उसी को हम लोग विदेश नीति बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ओम्बुड्समैन कहिए या लोकपाल कहिए। ओम्बुड्समैन इंग्लिश शब्द है, लोकपाल या लोकायुक्त उसका हिंदी वर्जन है। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहां स्थापित की गई थी, अगर हम पूरे विश्व लेवल पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले किस देश में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, या फिनलैंड, या आपके स्वीडन में। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आप लोग जबरदस्त, अभिषेक जी लिख रहे हैं कि सर देश नीति कैसी है,
देश नीति समझ सकते हैं कैसी है, विदेश नीति तो निसंदेह बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, जनक सुधा वैदेही, बिल्कुल शिवम शिवा गौर जी आते हैं भैया। कौन सा उत्तर सब लोग, बिल्कुल सही, डी वाला बिल्कुल विकल्प सही है, स्वीडन। स्वीडन आपका पहला ऐसा देश है जहां पर पहली बार सबसे पहले ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल जो आपका नियम बना था। भैया बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी जांच करने के लिए इस संस्था की गठन किया जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे जब दिल्ली में अन्ना हजारे जी लंबा चौड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने हैं उससे पहले जब यहां धरना चल रहा था, जब अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल जी थे, उसी लोकपाल और उसी लोकायुक्त की मांग कर रहे थे आपके अन्ना हजारे महोदय। ठीक है, भारत में कि भैया अगर स्वीडन में लागू हो सकता है, स्वीडन में व्यवस्था हो सकती है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं हो सकती, इसी बात के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई, द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी, किसके द्वारा लिखी गई है, अरस्तु, प्लेटो या हीगल या ग्रीन, किसके द्वारा भैया। 47 भारत में केरल सबसे पहले, बिल्कुल सही, भारत में केरल सबसे पहले। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है 47 नंबर क्वेश्चन के लिए, किसको आप लोग उत्तर कर रहे हैं भाई, राकेश कुमार गोंड जी क्या लिख रहे हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। अन्ना हो गए गन्ना, चलिए भाई आप ही की बात सही, अन्ना हो गए गन्ना। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 47 के लिए आप लोग हीगल जो लोग सही कर रहे हैं, ये भैया रचना अगर किसी है तो हीगल की रचना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो की डी रिपब्लिक बहुत ही फेमस रचना, ठीक है, चलिए अरस्तु की पॉलिटिक्स एथेंस का संविधान, ये उनकी रचनाएं हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ भाई। 48 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है, लिखित है भैया, कार्ल मार्क्स की कौन सी रचना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जोरदार सभी लोग उत्तर करिएगा, देखता हूं कि किसको आप लोग सही कर रहे हैं भाई। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर मार दीजिएगा दमदारी के साथ। राकेश कुमार जी क्या लिख रहे हैं भैया, 48 नंबर क्वेश्चन के लिए किसको आप लोग सर, यार क्या आप लोग डिस्टरबेंस बीच बीच में फान दे रहे हैं, आप लोग क्लास यहां चल रही है क्या बताएं। चलिए रिपब्लिक स्टेटमेंट्स बिल्कुल लाज भी रचना है आपकी प्लेटो महोदय की। अब हम चलते हैं, कौन सा उत्तर सब लोग, बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा सिंह जी बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर जो लोग भैया उपर्युक्त सभी विकल्प सही कर रहे हैं, ये सभी रचनाएं आपके कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा था बहुत बढ़िया पूछा गया था। आते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यहां देखते हैं क्वेश्चन भाई क्या पूछा गया। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग या भारत के राष्ट्रपति या संसद या प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दमदारी के साथ सभी लोग क्वेश्चन के लिए उत्तर करिएगा, देखता हूं भाई कौन सा उत्तर यहां सब लोग सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा उत्तर सब लोग सही कर रहे हैं यहां पे, बिल्कुल सही सभी लोग भैया, संघ लोक सेवा आयोग, बात संघ लोक सेवा आयोग, यही विकल्प आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग जो कि आपके दिल्ली में है, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यहां देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है।
जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आज का बिल्कुल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल हम फिर क्लास में मिलेंगे। इसके बाद जो लोग भैया बीएड की क्लास लेना चाहते हैं वो लोग 1 बजे वाली क्लास में उपस्थित रहेंगे। निम्न में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर। ठक्कर आयोग, शाह आयोग या मंडल आयोग, मंडल में ही कमंडल है और सरकारी या आयोग ये आपके पास विकल्प दिया गया है। सभी लोग बढ़िया से उत्तर करिएगा। सावन माह का पहला सोमवार, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सरकारी या आयोग सब लोग सही करें, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य के बीच ये आपका सरकारी या आयोग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरकारी या आयोग ही आपका उत्तर सही है। चलिए तो भैया ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये क्लास आगे चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, थोड़ा से आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को आगे भी कंटिन्यू किया जाए, थोड़ा से कमेंट में आपके जरूर देखना चाहूंगा। अरे भैया अनिल कुमार सरोज जी, इस बात की शिकायत आप क्यों कर रहे हैं? अरे यार हो गया भाई, नाम सबका दिखता रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुपर से ऊपर, कुमारी रुचि जी ने कहा कि सुपर से ऊपर, अच्छा सुपर से ऊपर, चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए तो हम अगर सुपर से ऊपर है तो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल से, मतलब 10 बजे की क्लास में आप लोग आना ना भूलें। जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं थाट के लिए स्पेशली यहां जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्लास बहुत अच्छी है, सभी लोग लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आप लोगों से अलविदा चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 बजे की क्लास में जो लोग बीएड एंट्रेंस या यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी भैया इतिहास के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतिहास विषय पे बढ़िया पकड़ बनाना चाह रहे हैं, सभी लोग 1 बजे की क्लास में उपस्थित होंगे, ठीक है। चलिए आगे भी चलनी चाहिए क्लास, बिल्कुल सही। चलिए अब हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भी यार सभी लोग टीचिंग स्कूल जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शिवम गौर बहुत बहुत धन्यवाद व्याख्या के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।